आज का हमारा टॉपिक है आउटलाइन। ये हमारे इस 11th का सबसे इजी टॉपिक है और ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो हमने एक मान लिया, एक क्या फंक्शन है y और ऊपर है इसके f of x के, जहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। y इज डिपेंडेंट और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि x के सापेक्ष, है ना, इस x के सापेक्ष किसका, y का, y में परिवर्तन की दर, फिर से सुनिए, x के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, y में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज, क्या कहलाएगा, अवकलन कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा ही चेंज होगा, माइनर, जैसे कि ये इतना चेंजेस आएगा, ये इतना ही छोटा सा चेंज आएगा, एकदम माइनर चेंज आएगा, उस परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, अवकलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक बार ले लूँ एक्स एन की, कोई एक एक्स एन एक्स टू ले लिया जाए कि ये एक्स टू की, हाँ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे हर फंक्शन के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं इसमें, जो स्टैंडर्ड है ना, तो मैं इसको लेके चलती हूँ। तो जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स हमको किस पर करना है, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें परिवर्तन की दर, हमको डायरेक्ट चेंज करके बता रही हूँ, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी वैल्यू होगी कि एन एक्स एन माइनस वन, वहाँ से तो ये जाएगा टू एक्स एन माइनस वन की टू एक्स ही आएगा, टू माइनस वन करेंगे तो वन आ जाएगा ना, तो वहाँ से ये, ठीक है। अब देखो कि अवकलन किसको बोलते हैं, अवकलज किसको बोलते हैं और अवकल किसको बोलते हैं। अवकलन से पहले अवकलज समझते हैं। अवकलज मीन्स जिससे, जिसमें परिवर्तन किया गया, ये क्या होगा हमारा अवकलज, ये हो जाएगा हमारा अवकलज। जो वैल्यू आई इसका अवकलन जो आया वो अवकलन नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है, वो क्या कहलाता है, अवकल कहलाता है। और जो किया गया प्रोसेस है इस मेथड को, है ना, इस विधि को क्या बोलेंगे हम लोग, अवकलन, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब यहां पर देखिए जब हम इसमें माइनस चेंज करते हैं, मैंने ये चेंज किया, ठीक है, डी वाई इतना चेंज किया तो इस तरफ राइट हैंड साइड में भी चेंजेस आएगी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा एफ डेल्टा, इतना चेंजेस आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड, अब क्या करेंगे, सेकेंड में फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू ये जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल किया हमने और इस तरह कैंसिल कुछ नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख देंगे, ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन, अब क्या करेंगे दोनों ओर अपॉन करेंगे, किसकी क्वांटिटी को, डेल एक्स क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी को ये हमने क्या कर दिया, अपॉन कर दिया। क्यों अपॉन किया, क्योंकि हमको इसके सापेक्ष अवकलन कराना है, है ना, सॉरी एक्स के सापेक्ष अवकलन कराना है वाई का, तो हम हमारे पास ये डेल वाई है, हमको अवकलन करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, इसलिए हमने दोनों तरफ क्या लिया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है वाई का। अब यहाँ पे डी वाई लेना है कि डेल वाई क्यों लिया, क्योंकि ये जो मिनिमम क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी, इस छोटी क्वांटिटी का इस छोटी क्वांटिटी के साथ ही क्या होगा, अवकलन होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, जब हम इस पर लिमिट लगाएंगे तो मैं लिमिट किस पर लगाऊंगी, यहाँ पे देखो लिमिट कहाँ पे आएगा, ये जो क्वांटिटी है x टेंस टू जीरो होता है जनरली, तो यहाँ पे छोटी क्वांटिटी क्या है, डेल एक्स है, इसलिए लिमिट क्या लगेगा, x पर ही लगेगा, तो डेल एक्स टेंस टू जीरो, इस तरफ भी लिमिट लगेगी, डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर ये कंप्लीट चीज क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा इक्वल, इस तरफ तो एज इट इज रहेगा लिमिट, डेल एक्स टेंस करेगा जीरो पर और ये एज इट इज, ये इतनी वैल्यू, ठीक है। अब देखो जो डेल एक्स की जो वैल्यू है ना, जो मिनिमम क्वांटिटी, हम लोग ये मान लेते हैं कि वो क्या है, एच के क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एच एच टेंस करेगा जीरो पर और ये जो है एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स, फिर डेल एक्स की वैल्यू मैंने लिया एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच,
क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कि जो डीवाई बाई डी एक्स है वो वाई का हमने किसके लिए इक्वल लेके चला था, ये एफ ऑफ एक्स के, तो ये भी लिख सकते हैं और ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये आपका क्या होगा, परिभाषा है इसकी अवकलन की। मीन्स यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है इसको समझिए आप लोग कि परिवर्तन की दर, माइनर परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज को शो किया है कि अगर इसमें मैं चेंजेस लाऊं तो हमारा कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। आप देखिए जो डीवाई बाई डी एक्स होता है उसको कैसे लिखा जा सकता है, जो अवकलन होता है उसको कैसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि डी वाई डी एक्स आप इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स में परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो क्या एफ डैश ऑफ एक्स ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखेंगे हम, या फिर लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स, और क्या जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स सिंपल वे में ये, ठीक है। बट ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म को दर्शाता है, ये लिख दिया, या फिर हम लिख सकते हैं डी, ठीक है, क्या जाएगा एफ ऑफ एक्स ये डी, ठीक है। जैसे जैसे अवकलन को दो बार तीन बार चार बार, तो यहाँ पर है ना ये बदलते जाएगा, ये तो नॉर्मल सिंपल वे में फर्स्ट के लिए ही है, यानी कि प्रथम अवकलन के लिए, और या फिर हम इसको कैसे शो कर सकते हैं ये तीन, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, कितनी चीज़ें होंगी, पांच चीज़ों से शो किया जाता है कि अवकलन कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं इसी में कि किसी बिंदु पर फलन का अवकलन गुणांक, बिंदु पर मीन्स कि आपको किसी एक पॉइंट दे दिया गया है कि हमको उसी पॉइंट पर वैल्यूज क्या है फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमको कोई बिंदु दे दिया, हमको हमने फिर से ये एफ ऑफ एक्स करके मान के चलते हैं और हमको पॉइंट दे दिया कि एक्स को निकालना है ए पर, ए पॉइंट पर, है ना, तो फिर उसका अवकलन गुणांक यानी कि डेरिवेटिव जो होगा ना वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा एफ डैश ऑफ ए, क्लियर, एफ डैश ऑफ ए। तो हमने इसके पहले जो पढ़ा था उसी को लिखते हैं, है ना, इसके पहले जो हमने थे निकाला था उसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ से, ये तो सेम रहेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू सॉरी एच टेंडिंग टू जीरो फिर एफ ऑफ इस एक्स के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये आ जाएगा कम्प्लीट, ठीक है। अब हम आते हैं इसके जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स होती है और राइट हैंड डेरिवेटिव्स, ये क्या क्या होती है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स जो होता है उसको उसी बिंदु पर निकालेंगे, ये ए इसी पॉइंट पर निकालते हैं, और हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है ना, तो उसके लिए क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना वो निकालेंगे, सॉरी प्लस निकालना है ना, तो फिर कैसे लिखेंगे उसको, तो यहाँ पर देखो इसको डायरेक्ट लिखेंगे अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ऐसा, ये लेफ्ट और ये क्या फंक्शन का साइन होगा डेरिवेटिव का, या फिर अगर हमको राइट निकाल रहे हैं तो ये राइट के लिए और ये लेफ्ट के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा तो मैं पहले लेफ्ट का बता रही हूँ, तो लेफ्ट हैंडेड डी ए के लिए फिर लिमिट आएगा एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर जो है साइन चेंज होगा, ठीक है, किस चीज़ का साइन चेंज होगा, इसमें यहाँ पर ये जो हो जाएगा लेफ्ट हैंड के लिए होगा तो माइनस हो जाएगा, और बाकी चीज एज इट इज, अगर वो चीज राइट हैंड के लिए होगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट लगेगा एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर क्या जाएगा एफ ए प्लस एच जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ये एच, क्लियर, ओ सॉरी ये माइनस है ना यहाँ पे लगेगा और ये हम प्लस पे में रहेगा, मीन्स कि राइट हैंड पर हमेशा प्लस प्लस में आएगा और लेफ्ट हैंड में माइनस में आएगा। मैंने इसके पहले राइट और लेफ्ट को समझाया था कि अगर ये कोई सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर लेफ्ट की ओर आता है तो माइनस हो जाएगा, इस पॉइंट से इधर जाते हैं राइट की तरफ वो पॉजिटिव आएगा, वैसे अगर हम लेफ्ट हैंड लेंगे तो हमारे यहाँ पे माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, और जब हम पॉजिटिव की लेंगे तो ये एच पॉजिटिव, ये मतलब कि एच जो है वो पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि लिमिट चेंज हो रहा है किस पर, एच पर, इसलिए ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इस पर भी चेंज हो रहा है एच पर, तो ये वाला नेगेटिव ये वाला नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डेरिवेटिव्स, है ना, लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का। अब हम बात करेंगे कि अवकलनीयता कैसे निकाली जाती है, तो हमने इसके पहले अवकलनीयता का सिद्धांत पढ़ा है,
सतत है और फलनीय ऐसा बोलते हैं ना, तो किस पर निकालते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर वो चीज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। पहली बात तो कि वो एग्जिस्ट करें, अगर वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ये चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है। इफ ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा, अवकलनीय होगा। और एडजस्ट कर है, लेकिन क्या है जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और क्या ये ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यदि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तब क्या करेगा, ये एडजस्ट नहीं करेगा। ये क्लियर। अब हम आते हैं अवकल गुणांक तथा ज्यामिति अर्थ है ना, ज्योमेट्रिक मिनिमम डेरिवेटिव्स, इसको ना देखते हैं हम डायरेक्ट प्रथम समाकलन प्रथम सिद्धांत के जो अवकलन है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ये डेरिवेटिव का, उस पर आते हैं। उसकी बात करें तो हमको अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग फंक्शन दिया है जिस पर हमको क्या डेरिवेटिव ज्ञात करने हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है। तो हमको पहला चीज इसके लिए बोल दे दिया गया कि इसके लिए आप इसका अवकलन करके इसको फाइंड कीजिए, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा। तो आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्या, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स एन है। अब क्या करेंगे इस एफ ऑफ एक्स में क्या करेंगे, हम प्लस करते हैं एच को। जब इस तरफ लेफ्ट हैंड में प्लस किया तो राइट हैंड में भी डेफिनेटली प्लस करेंगे, तो यह रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या मालूम है, इसके पहले हमने निकाला है कि डी वाई परिवर्तन की दर वाला है ना, लिमिट लगता है एच टेंडिंग टू जीरो एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये हमको मालूम है। यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड लगा है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव लगा, डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ ये परिवर्तन की दर वाला फॉर्मूला हमने एज इट इज लिख दिया है, ये अवकलन का फॉर्मूला मान के चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेगी, ये और यहाँ पर ये, तो x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स एन अपॉन एच। अब क्या करेंगे हम, इस x को कॉमन कर, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे पूरे x एन से, है ना। तो पहले इसे निकालेंगे फिर इसे निकालेंगे तो पूरा बाहर आ जाएगा, तो अपन डायरेक्ट करेंगे ये, फिर क्या बचेगा, फिर 1 प्लस एच अपॉन x की पावर n, ठीक है, और ये आएगा माइनस वन, ये कंप्लीट बाहर आ गया अपॉन h, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। जब हम यहाँ पर लिमिट है यहाँ पर है ना, लिमिट को भूलना मत। जब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हमको मिलेगा 1 प्लस एन एच अपॉन एक्स प्लस एन माइनस एन है ना, एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एच एच का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस कहाँ तक रहेगा, इनफिनिट तक, और ये माइनस वन रहेगा अपॉन एच। तो हम क्या करेंगे, इसमें से डायरेक्ट मैंने क्या किया, कॉमन निकाला एच को, ये लिमिट है यहाँ पे, लिमिट है ना, क्या था इन टू जीरो, ये एक्स एन है, मैंने क्या किया कॉमन क्या निकाल दिया, एच को बाहर निकाल लिया है। अब क्या बचेगा हमारे पास, एन की पावर एक्स, यहाँ से देखो ये बचेगा प्लस क्या बचेगा, एन एन माइनस वन बचेगा अपॉन फैक्टोरियल टू, यहाँ पे आ जाएगा एच एक बाहर निकल गया, एक्स का स्क्वायर प्लस इनफिनिट नंबर, और ये माइनस 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 कैंसिल कर दिया मैंने पहले ही इतना का एच, क्लियर। अब इस ऐसे एच कैंसिल, अब क्या बचेगा, अब देखो ये जो है लिमिट हम लगाएंगे इस पर, ये एच पर लिमिट आएगी तो ये तो कंप्लीट बचेगा, बट यहाँ पर जो एच है वो जीरो हो जाएगा, मीन्स कि फर्स्ट टर्म एज इट इज पूरा रहेगा और उसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यानी कि एक्स एन रहेगा हमारे पास, ये एक्स एन, फिर यहाँ पर क्या जाएगा, ये n अपॉन x ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैसे ले सकते हैं, n ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होती है, घाती क्या होती है, जुड़ जाती है तो घट जाती है, मतलब कि वो एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में आता है, तो ये ऊपर आएगा तो n, फिर यह जाएगा x n माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन, ये कंप्लीट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला, डेरिवेटिव किसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकला है, ये इस अवकलज, इसका अवकलन के हमारे पास क्या किए, और इसको कहा क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव बोला जाता है, अवकल बोला जाता है। कभी भी इसको आप बोलेंगे इसका अवकलन है, नहीं, अवकलन कभी नहीं होता, वो क्या होता है, अवकल होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोला जाता है। यहाँ पर देखिए ये ऐसे ही कुछ अवकलन अवकल गुणांक है ना,
ये पहला कि e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x log a, ये जो e होता है वो साइलेंट होता है, log e x का क्या था बराबर x, ऐसे ही अलग अलग फंक्शन का अलग अलग क्या आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से दिया हुआ है। फिर मैं कुछ फॉर्मूला आपको बता देती हूँ और बाकी आप बुक से कीजिए। जो साइन एक्स का होता है इसका जब क्या करेंगे हम डी बाई डी एक्स रखते हैं, इसको अपने फॉर्मूला कॉपी में लिख कर रखेंगे, ठीक है। जब इसका क्या करते हैं डी बाई डी एक्स करते हैं, इसका अवकल अवकल क्या होता है, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है। वैसे ही कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है। अब हम बात करते हैं टेन की, तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स, टेन के बाद क्या जाएगा आपका कॉट, है ना, कॉट कॉट एक्स का क्या होता है आपका ये सेक है तो ये माइनस, इसको लाइस लिखेंगे कॉस एक स्क्वायर, ठीक है, ये था सेक स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स साइन का कॉस का टेन का कॉट का, अब इसके बाद क्या जाएगा आपका सेक, सेक एक्स का क्या होता है यहाँ पे sec x होता है एंड tan x होता है। अब डी बाई डी एक्स, अब देखो ये क्या था sec और cosec का हमने ये लिखा था, अब ये cosec बचा तो x, इसका क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस cos x, ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव्स है, यानी कि इस छह फंक्शन त्रिकोणमिति जो फंक्शन होते हैं उसके ये क्या होते हैं डेरिवेटिव होते हैं, इसको ऐसा ही फाइंड आउट किया जाता है। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको इसको क्लियर करती हूँ। देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है क्या ये वाला देखो वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसका क्या निकालना है हमको अवकल गुणांक निकालना है, किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। तो देखो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट कि क्या है एफ ऑफ एक्स है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान भी चलेंगे, ठीक है, क्या एफ ऑफ एक्स, अब क्या करेंगे इसका निकालेंगे क्या ये ठीक है निकालेंगे एक्स प्लस एच के लिए जो भी वैल्यू आएगी वो निकालेंगे। फिर हमको मालूम है किसकी वैल्यू एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू लिमिट वाला जो आता है ना वो उसको कंप्लीट हम लिख देंगे, ठीक है। अब क्या निकालेंगे उससे, उसको पहले सरलीकृत करेंगे, उसमें क्या कॉमन निकल रहा है क्या कट सकता है वो सारा चीज कर देंगे, लिमिट क्या है h टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। फिर बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करके जहाँ पर लगेगा कि बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है, देखिए ये है, देखो ये जो था ये वाला है ना, इस पर देखो क्या था हमको मालूम, ये मैंने लिखा था x प्लस एच, फिर क्या होगा ये लिमिट, लिमिट का यूज़ किया इसकी में, ये लिमिट का यूज़ किया ये वाला आ गया, फिर क्या हो जाएगा ये जो लिमिट है ये यहाँ पे लिखाएगा और ये वाला टर्म यहाँ पर आएगा, ठीक है, ऐसे ही फिर इसका निकलेगा। अब यहाँ पर बोलता है कि जो अचर फलन होता है उसका अवकल अवकलज जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है, अचर फलन मीन्स कि हम उसको अचर फलन लेंगे सीरीज में, सी लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं, आप जैसे भी इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आंसर में इसको डाल रहे हैं तो आप हमें इसको बता दीजिएगा, है ना, ये क्या है एक अचर फलन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर। अब हम क्या करेंगे इसको, हमको अचर फलन में ज्ञात करना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर डायरेक्ट लगा लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, पहला ये होता है ये कंप्लीट, तो ये ऐसे ही सी आ जाएगा माइनस ये वाला चीज अपॉन एच, ठीक है, तो देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये चीज हो जाएगा जीरो अपॉन एच, जीरो के ऊपर कुछ भी हो जीरो ही आएगा, ठीक है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स अचर फलन का अचर फलन कॉन्स्टेंट टर्म्स की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है। वैसे ही हम आगे आते हैं कि एक होता है कि फर्स्ट फिर सेकेंड, फर्स्ट का फलन फिर सेकेंड का फलन ये वाला आता है ना इसकी बात बता रही हूँ, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर कोई फर्स्ट टर्म है यहाँ पर कोई सेकेंड टर्म है और क्या है वो इन टू में है, दो फंक्शन है यहाँ पर मीन्स की, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट फिर सेकेंड का अवकलन सेकेंड प्लस सेकेंड को एज इट इज, फिर
ऐसे ही भाग में होगा अगर वो डिवाइड के फॉर्म में, ये फंक्शन है ना, ये तो डिवाइडेड में है ये फंक्शन, तो फिर कैसे लिखेंगे? तो सेकंड, फिर क्या होता है फर्स्ट का, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ये फर्स्ट है ना, तो फिर है ना फर्स्ट, फिर क्या होता है सेकंड का अपॉन क्या होता है सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए अपॉन वाला अगर आ गया तब की बात है, और ये माइनस होता है या फिर प्लस मत लिखना, इसमें क्या होता है माइनस होता है, इसमें क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। अब मैं इस पर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन बता रही हूँ, ये प्रथम अवकलन से नहीं है, डायरेक्ट इस पर निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे x की पावर 7 है, ठीक है, तो हम लोग मानें कि हमारा x की पावर 7, या फिर अपन ले लो y x की पावर 7, तो फिर क्या होता है dy by dx मीन्स कि ये x की पावर 7, तो हमको इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, n x n-1 ये होता है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है, तो 7x 7-1 यानी कि ये हमारा क्या जाएगा वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं तीन टर्म वाली बता देती हूँ, अगर हमारे पास क्या दिया है, 3 टर्म्स दे दिए गए हैं साइन एक्स और हमको दे दिया गया है स्किप स्क्वायर, ठीक है। ये 3 टर्म्स का है, इसको ये बोलता है कि फलनों का अवकलन x के सापेक्ष कीजिए,